हिमाचल प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ पीटीए का प्रदेश कार्यकारिणी प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष श्री बोविल ठाकुर एवं उपाध्यक्ष व महिला विंग अध्यक्ष श्रीमती मधुबाला भंडारी, वरिष्ठ सलाहकार यशवंत कंवर, पंकज कुमार, प्रदेश संयोजक डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, सचिव राकेश कुमार, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जिस्टा, सह सचिव ओम प्रकाश, प्रेस सचिव सुदर्शन शर्मा, कासिम खान, संतोष रावत, जिला शिमला अध्यक्ष नवीन मेहता, जिला हमीरपुर अध्यक्ष विमल कुमार, जिला कुल्लू उपाध्यक्ष शांता कुमार, सचिव राकेश कुमार, जिला मंडी से प्रेम मेहता, सोलन अध्यक्ष हरि सिंह ठाकुर, कोटखाई ब्लॉक उपाध्यक्ष शिल्पी चौहान, टिक्कर ब्लॉक अध्यक्ष पंकज सांजिटा, रोहड़ू ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम ठाकुर, टिंकू बांशा, सेन चौहान, योगेश क्लांटा, जुब्बल ब्लॉक से संजीव शर्मा, रामपुर ब्लॉक अध्यक्ष कुशाल सुलेन, नीटूराम, विपिन शर्मा, जगदेव, विनोद मेहता, ठियोग ब्लॉक से ललित चौहान, लोकेंद्र बक्षेट, कुमारसेन ब्लॉक से विकास, रजनीश चौहान, धामी ब्लॉक से राजीव राठौर, ग्रामीण शिमला ब्लॉक उपाध्यक्ष रमेश चौहान आदि ने प्रदेश के यशस्वी शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से शिमला सचिवालय में मुलाकात की और उनका 6500 अनुबंध पीटीए शिक्षकों के 25 जून की मंत्रिमंडल कैबिनेट में नियमितीकरण के संदर्भ लिए गए ऐतिहासिक फैसले का हजारों शिक्षक परिवारों की ओर से प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण एवं विधायकों का आभार व्यक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष बोविल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल के दुर्गम क्षेत्रों से शिक्षा को अखंड ज्योति को प्रज्वलित करने वाले हजारों शिक्षक परिवार पिछले 14 वर्षों से नियमितीकरण की राह देखते आ रहे हैं। हजारों पीटीए शिक्षक परिवारों का भविष्य अधर में लटका हुआ था। सही मायने में पीटीए शिक्षकों के लिए अगर कोई मसीहा बनकर सामने आया है तो वो प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी है। उन्होंने मान सम्मान एवं अस्तित्व की इस लड़ाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट में पुरजोरता से पैरवी की। परिणामतः माननीय सुप्रीम कोर्ट से सभी शिक्षकों के पक्ष में फैसला आया और 14 वर्षों से आहत अनुबंध पीटीए शिक्षक हमेशा हमेशा के पाक साफ एवं लीगली सिद्ध हो गए। उसके पश्चात सभी अनुबंध पीटीए शिक्षकों को उनकी 3 वर्ष की अनुबंध अवधि की पूर्ण हुई तिथि से नियमितीकरण का तोहफा देकर एक ऐतिहासिक मिसाल कायम की है, जिसके लिए हर अनुबंध पीटीए शिक्षक परिवार माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का, माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी का व समस्त मंत्रिमंडल का आजीवन आभारी रहेंगे। आज प्रदेश सरकार के इस फैसले से संपूर्ण अनुबंध पीटीए शिक्षक परिवार गदगद है। बोविल ठाकुर ने मुख्यमंत्री महोदय जी से करबद्ध आग्रह किया कि वो अनुबंध पीटीए शिक्षकों नियमितीकरण की अधिसूचना जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करें, जिस पर मुख्यमंत्री महोदय व शिक्षा मंत्री जी ने पूर्ण विश्वास जताया कि कुछ दिन में इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की जा रही है। इससे पूर्व सुबह प्रदेश यूनियन की कार्यकारिणी का यह प्रतिनिधिमंडल प्रदेश के माननीय शिक्षा मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी से उनके आवास पर मिला और नियमितीकरण के संदर्भ में उनके अद्भुत योगदान के लिए उनका दिल के अंतःकरण से अभिवादन व आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं बोविल ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश अनुबंध शिक्षक संघ पीटीए, और मैडम मधुबाला जी उपाध्यक्ष, और बाकी सभी साथी और प्रदेश कार्यकारिणी, विभिन्न जिलों के अध्यक्ष आज यहाँ पे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी की अगुवाई में मुख्यमंत्री महोदय के धन्यवाद के लिए यहाँ पे आए थे और उनका सम्मान किया। जैसे कि आपको विदित है, हाल में ही लंबे समय से प्रताड़ित पीटी शिक्षकों और पैर शिक्षकों और पैरा शिक्षकों के नियमितीकरण का जो प्रस्ताव कैबिनेट में पारित करके आदरणीय जननायक मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी ने एक इतिहास कायम किया है, उसके लिए हम इनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं।